ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड मार्स का अलग है, दोनों का रेडियस अलग है, मतलब मार्स का रेडियस आधा है अर्थ का, ठीक है, देख रहे हो डेटा से। द मास ऑफ द अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स, मतलब अर्थ का जो मास है, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स, ठीक है, मास ऑफ मार्स, ठीक है, मार्स को एम से डिनोट कर देता हूं, एम मार्स को एस से डिनोट कर दूं, मास ऑफ अर्थ इज 10 टाइम मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज हाफ रेडियस ऑफ अर्थ इज टू टाइम्स, रेडियस ऑफ अर्थ इज टू टाइम्स रेडियस ऑफ मार्स, ठीक है, देख रहे हो 6400 किलोमीटर ये डेटा दिया हुआ। ऑब्जेक्ट वेट 200 ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक ऑब्जेक्ट है उसकी अर्थ के सरफेस पे 200 न्यूटन वेट है, तो उसको मार्स पे मैं ले जाऊंगा। अब भाई तुम एस्ट्रोनॉट बन गए, नासा में चले गए, ठीक है, तो एक बार अर्थ पे मेजरमेंट किए, तो अर्थ पे मेजरमेंट किए तो क्या हो गया, वेट mg ले लिए, जो तुम्हें दिखा 200 न्यूटन, ठीक है, ये तो तुम्हारा अर्थ का डेटा है। अब तुम मार्स पे लेके गए, तो मार्स पे जब वेट करोगे इसी ऑब्जेक्ट का वेट, तो वेट डैश एम और ये जी डैश हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो जो मार्स पे जी डैश हो जाएगा, उस जी डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो जी डैश की वैल्यू एम और जी डैश की वैल्यू क्या होती है, जी जी इक्वल टू होता है जी एम ओवर आर का स्क्वायर, जी एम ओवर आर का स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि जी एम ओवर आर का स्क्वायर दैट इज ये सब डेटा है मार्स का यार, ठीक है, और यहाँ से तुम एक्चुअली यहाँ एम और जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 न्यूटन, ये अर्थ का डेटा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस अर्थ के डेटा को मैं यहाँ से सॉल्व करके ये एम डैश जो मार्स का लिए एम एस आर एस उसको तुम निकाल लो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ अर्थ की डेटा रख दो, तो अर्थ का ये जो है अर्थ का मास जो है जी और अर्थ का मास इज इक्वल टू 10 टाइम्स मास ऑफ मार्स दैट इज 1 km यहाँ से बॉडी का, ठीक है, और ये रेडियस आधा है, तो रेडियस आधा है तो रेडियस ऑफ द अर्थ इज डबल है दैट इज 4 rs का स्क्वायर दैट इज 200 न्यूटन, तो 10 ने 10 यहाँ से ख़त्म कर दिया, दैट इज यहाँ से आ जाएगा जी मास ऑफ द मार्स स्मॉल m और रेडियस ऑफ द मार्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, 80 न्यूटन ही आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी डेटा है इन सब की वैल्यू जो है, ये पूरा डेटा जो है इन सब की वैल्यू क्या है, 80 न्यूटन सोल्यूशन सही है, ठीक है, मतलब अर्थ पे समझ रहे हो ना, अर्थ पे जो है ये क्या है, ए वेट mg ही है यार, ये mg ही है, ठीक है, ये अर्थ पे 200 था, तो मार्स पे आ जाएगा हम लोग के पास 80 न्यूटन, ठीक है। चलो मतलब सी ऑप्शन सही है।